साथियों को दिक्कत आ रही थी वनेश और इशू और ऐसे बनाने में, तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि आप करना क्या है जिससे कि आपको एरर नहीं आएगी। ये हमारा वनेश इशू बन के आ गया। इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पर ये देखिए एक बटन आ रहा है, आपको इसमें भी आ रहा होगा चूज ले आउट, आपको यहाँ पर जाना है और उसके बाद ये आपको आ रहा होगा विशाल वनेश इशू पैनल लेआउट ग्लोबल, इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करना है और उसके बाद इसको इंपोर्ट करना है एक्सेल में। इसको सेलेक्ट करना है, सेव कर, ऐसे ही रिसीव का करना है। एक सेकंड, इसमें भी यही काम करना है आपको, ये लेआउट चूज लेआउट में जाना है और इसमें विशाल ऋषि वनेश के नाम से आ रहा होगा ये। इसको बंद कर दीजिए। आप अपनी फाइल पर जाइए जहाँ पर आपकी फाइल पड़ी है, इसको खोलिए, स्टॉक रिपोर्ट डिटेल डालिए, रिसीव की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, डेस्कटॉप में जाके 5 फरवरी की रिसीव ये रही। ये आपकी फाइल तैयार हो गई, आपकी पूरी डिटेल इसमें आ गई और ये पूरा सब कुछ जय वाई आपका रिसीव आ गया, सब तैयार हो गया आपका टोटल। इसको बंद करिए, अब आपको इशू की बनानी है, सबमिट करिए इशू की फाइल पर आइए, इशू 5 फरवरी 21 इसको सेलेक्ट करिए, आ गई आपकी, ये आपका वनेश इशू आ गया है और इसमें आपका ये इनवॉइस नंबर हो गया, ये आपका इनवॉइस डेट और ये आपका डिवीजन या फर्म का नाम जो भी है, इसका कोड भी आ रहा है साथ में और ये एसके का नाम या जेई का नाम, एसटीओ नंबर, एस्टिमेट नंबर भी साथ में आ रहा है, जिसमें एस्टिमेट नंबर होगा साथ में तो उसमें एस्टिमेट नंबर भी आएगा और ये आपका इस हेड पर इशू हुआ है मेटेरियल और ये आ गया, इसकी क्वान्टिटी आ गई, ठीक है। ये आपकी फाइलें तैयार हो गई रिसीव इशू की, आपको करना क्या है बस केवल लेआउट चूज करनी है।